गोरखपुर विश्वविद्यालय में ईवीएम मशीन का सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, जिसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सभी 9 विधानसभा के स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे निगरानी की जा रही है, जिसके लिए कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी स्ट्रांग रूम पर लगातार निगाहें बनाए हुए और स्ट्रांग रूम पर केंद्रीय सुरक्षा बल व जनपद पुलिस को तैनात किया गया है तथा 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम पर मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी दिन में 2 बार जाकर ईवीएम की सुरक्षा परख रहा है तथा 10 मार्च को शांतिपूर्ण मतगणना करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सभी 9 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम्स को लगातार सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जा रही है। वहाँ कंट्रोल रूम बना है, उसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा लगातार निगरानी की जा सकती है। वहाँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। आउटर 3 लेयर का सिक्योरिटी सिस्टम है। आउटर पेरीमीटर को सिविल फोर्स द्वारा गार्ड किया जा रहा है। वहाँ पे गजरेड ऑफिसर्स 24 घंटे ड्यूटी लगी है। हम लोग भी लगातार उस पर भ्रमण कर रहे हैं और उसको निगरानी रख रहे हैं। सारी सुरक्षा इंतज़ाम वहाँ पूर्ण किया गया है।